अच्छा, मुझे नहीं बताओगे वो कौन है? मूसा को तजस्सुस हुआ। ओ नहीं यार, तुमसे भी नहीं, शर्मीला दिलबर हूँ ना। अच्छा खैर, तुम कोसम के पास जाओ, गरीब नाश्ते पर तुम्हारी मुंतजर है। और हाँ, किसी न किसी तरह मालूम करो कि उसके दिल में है क्या। मैं तो चला। नाश्ते की मेज़ पर कोसम अभी तक बैठी थी। महा बेगम इसे तश्वीश भरी नज़रों से देख रही थी। कोसम, मैं देख रही हूँ कि मूसा के लिए तुम कुछ अजीब सी होती जा रही हो। मेरा मतलब है, वो एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। देखो कोसम, जो बात नहीं हो सके उसे सोचना भी नहीं चाहिए। वो मेरा भतीजा ज़रूर है, मगर हकीकत है, हम आँख नहीं चुरा सकते। हम में और उसमें ज़मीन और आसमान वाला फ़र्क है। तुम इन लोगों में से हो जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं। तुम 14 साल की उम्र से अपनी ज़ाती गाड़ी रखती हो,